लंबाई में ये 65 फिट लंबा है जी और 35 फिट इसकी ऐसे चौड़ाई है। जी इसमें बीच में मैंने 4 फिट की गैलरी दी है, 4 फुट की गैलरी दी है जी। और कैबिन साइज़ में इधर मैंने 4 कैबिन बड़े रखे हैं पैटर्निंग पर्पज से जी। ये 15x15 के कैबिन है 4 जी, और इस साइड में है 10 कैबिन, 10 कैबिन। ये 6x15 के 10 कैबिन है। ये अंदर जो 65x35 का स्ट्रक्चर है इसमें लगभग 8 से 8.5 लाख रुपए लगे हैं मेरे केवल इस वाले स्ट्रक्चर। इस वाले तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ये काम बिना ट्रेनिंग के बिना नॉलेज के बिल्कुल स्टार्ट ना करें, आपको नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ ब्रीड जी, जो ब्रीड आप लाएंगे पहली बार वो ब्रीड बिल्कुल ढंग से अच्छे से देख के लाएं, किसी की बातों में आके कुछ भी ना ले आएँ, वो आपको नुकसान दे सकता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका फंड मैनेजमेंट। आप केवल ये सोच के कि मेरे पे 10 लाख रुपए और मैंने 6 लाख रुपए अपने स्ट्रक्चर पे लगा दिए, 2.5 लाख रुपए के मैं जानवर ले आया, अभी मेरे पास 2 लाख रुपए बचे हैं तो मेरा काम चल जाएगा, नहीं चल पाएगा। क्योंकि इनको मेनली इनका 70% कॉस्ट इनकी फीड पे आती है, तो फीड मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, किसान फार्मिंग लीडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आज आया हूँ ग्राम देदो में, तो सव्यसाची सर का नाम है, तो सर के फार्म पर मैं आया हूँ जो ये पिग फार्म के साथ डॉग फार्मिंग करते हैं। तो आइए सर से मिलते हैं और सर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो सर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर जी, पहले किसान भाइयों को एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। जी, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम सव्यसाची है, ये मेरा पिक फार्म वी एग्रो एंड लाइव स्टॉक के नाम से है, ग्राम देदुआ पड़ता है लावर रोड पे जी, जो मोदीपुरम के पास है डिस्ट्रिक्ट मेरठ में। तो सर पहले तो सर आप ये बताइए सर, जो आप पिक फार्म करने से पहले सर क्या करते थे सर? मैं कंपनी में रीजनल मैनेजर की पोस्ट पे था और मैंने लगभग 12 साल जॉब करी है, और रीजनल मैनेजर की पोस्ट से फिर अपनी कंपनी छोड़ के मैंने पिक फार्मिंग स्टार्ट करी है। तो सर आप इतना अच्छे पैकेज पे थे, अच्छे पोस्ट पे, तो इसके बाद सर आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे पिक फार्मिंग करना है और डॉग फार्मिंग एक साथ करना है सर? देखिए, जो मेरी जॉब प्रोफाइल थी वो टूरिंग की ज़्यादा थी, मुझे लगभग 20 से 25 दिन घर से बाहर रहना पड़ता था, और आगे आगे वो बढ़ने ही वाली थी, तो एक फैमिली का भी थोड़ा रहता है कि फैमिली को भी देखना है। तो उसके बाद डिसाइड किया कि कुछ अपना काम होना चाहिए जिसमें थोड़ा अर्निंग भी अच्छी हो और अपना अच्छा लगे करते हुए भी, तो इसलिए फिर पिक फार्मिंग की तब थोड़ा अपना देखा, इसकी थोड़ी वीडियो देखी, कुछ लोगों से मिला, समझ में आया कि अच्छा काम है, तो फिर इस तरफ अपना रुझान किया, तो यहाँ फिर मैंने पिक फार्मिंग का स्टार्ट किया। तो सर, जब पिक फार्म करने से पहले आपने कहीं ट्रेनिंग की थी सर क्या? हाँ, मैंने ट्रेनिंग ली थी, एक 5 दिन की ट्रेनिंग, एक हमारे सनशाइन लाइव स्टॉक करके सुनीत जी हैं, उनके यहाँ मैं गया था, वहाँ से ट्रेनिंग ली थी, प्लस एक हमारे यहीं पे विक्रांत फौजी भी आए, उनका फार्म है, एक दीपक है धंजू में, उनका फार्म है जी। उन लोगों के यहाँ मैं ट्रेनिंग तो नहीं, लेकिन उन लोगों से प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है कि उनके पास चले गए, चीज़ें देख ली, सीख ली उनसे, तो वो उन दोनों फार्म पे मैं लगभग 15 से 20 दिन वहाँ गया था जी। तो एक बार सर अपने फार्म की विजिट करवाइए। जी, प्लीज़ आइए। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर, आपका नया सेटअप है सर बिल्कुल जी। तो ये सर क्या है सर? ये मैंने एक बाथरूम बनाया छोटा सा जी जी, पर्सनल इस्तेमाल के लिए या फिर कोई गेस्ट वगैरह आता है उसके लिए जी। उसके बाद ये बाजू में हमने अपने रहने के लिए कमरा बनाया है, ये रेस्ट रूम है सर आपका, रेस्ट रूम कह दो, ऑफिस कह दो सर, हाँ कुछ भी कह लीजिए, इसमें रेस्ट रूम है ये। तो जैसे आपने रेस्ट रूम बनाया सर जी, तो इसकी क्या लंबाई है सर, क्या चौड़ाई है? ये 12x12 के हैं, 12x12 काफ़ी बड़ा जी जी, जिसमें बेड वगैरह आ जाए जी जी। इसके बाद सर ये आपका क्या है? ये फीड रूम है, इसमें फीड। अच्छा, ये आपने फीड रूम बनाया जी। तो सर जैसे फीड रूम बनाया है, इसमें काम भी चल रहा है सर जी, इसका क्या साइज है सर? ये 10x12 का है, 10x12 का है। ये कुछ चल रहा है। और इसके अलावा सर ये क्या है सर? ये मेरा डॉग का शेड बनेगा इसमें। अच्छा, ये भी 10x12 का एरिया है, बस अभी एक टीन शेड लगना है, जाल लगना है, तो ये डॉग्स जो अंदर बैठे हैं वो बाहर आ जाएंगे जी। डॉग्स की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपके डॉग्स के बारे में जानना चाहूँगा सर। तो सबसे पहले सर ये हमें ब्रीड के बारे में बताइए। ये ब्लैक वाली तो काने कोर्सो ब्रीड है जी, और ये जो वाइट वाला है मेरा, ये डोगो अर्जेंटीनो है। तो सर जैसे मैं ब्रीड देख रहा हूँ, ये कोई नई, मुझे तो लग रहा काफ़ी नई ब्रीड है सर ये जी। तो सर ये आपने कितने रुपए का पिगलेट परचेज किया था सर? ये एक्चुअली थोड़ी यूनिक ब्रीड है, और मतलब बहुत रेयर ब्रीड कहते हैं इसे, बहुत कम लोगों पे, तो इसका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रहती है। वो जो डोगो अर्जेंटीनो है वो इतना रेयर नहीं है, लोगों के पास है भी, कंपेरेटिवली वो थोड़ा सस्ता आ जाता है जी जी। ये प्रॉपर ब्रीडिंग पर्पज से 2 मेल लिए हैं मैंने जी। तो ये ब्रीड की बात की जाए, तो आपने कितने रुपये का पिलेट्स परचेज किया था सर? ये रेट तो अभी मैंने मतलब उनसे बात नहीं करी है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली है जी, उन्हें देने हैं मुझे, जो मैं अपने किसी जानने वाले से ही लाया था जी जी जी। तो सर आपके सेटअप की बात की जाए, जो ऐसे आपका नया सेटअप है सर, तो पहले तो मैं सर स्ट्रक्चर, जो आपका स्ट्रक्चर है
इसकी कॉस्ट जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं इसकी कॉस्ट जानना चाहूँगा सर, आप इस जो आपने सेटअप तैयार किया है इसकी क्या लंबाई है सर, क्या चौड़ाई है, क्या कितने केबिन है सर, एक बार हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए ये लंबाई में ये 65 फीट लंबा है जी, और 35 फीट इसकी ऐसे चौड़ाई है जी। इसमें बीच में मैंने 4 फीट की गैलरी दी है, 4 फुट की गैलरी दी है जी। और केबिन साइज में इधर मैंने 4 केबिन बड़े रखे हैं फैटनिंग पर्पज से जी। ये 15x15 के केबिन है 4 जी, और इस साइड में है 10 केबिन, ये 6x15 के 10 केबिन है। तो सर जो आपका स्ट्रक्चर पे कॉस्ट कितने रुपये की आई थी सर? ये अंदर जो 65x35 का स्ट्रक्चर है इसमें लगभग 8 से 8.5 लाख रुपए लगे हैं मेरे, केवल इस वाले स्ट्रक्चर, इस वाले सर, बाहर वाले के लिए, बाहर वाले को छोड़कर जो आपने अंदर पिक का जो सेटअप तैयार किया है, पिक का सेटअप 8-8.5 लाख रुपये का सर आपका खर्चा है। क्योंकि बाहर वाला सेटअप तो किसी हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है, बनाना चाहता है नहीं बनाना चाहता जी। तो बाहर के सेटअप के अलग है, इसमें 8.5 लाख रुपये, इसमें 8.5 लाख, जानवरों से अलग, जानवर से अलग जी। तो सर जानवर की बात की जाए तो आपने सर आपके फार्म पर सर आप टोटल कितने जानवर से अपना अपना फार्म स्टार्ट किया था? देखिए अभी मेरे पास फिलहाल 7 फीमेल प्रेग्नेंट हैं, 2 मेल हैं और 7 ही मेरे पास गिल्ट हैं जी। तो सर जब आपने अपना सेटअप तैयार किया था तो एक बार बताइए हमारे किसान भाइयों को बताइए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे नए किसान भाई है आपका सेटअप देखकर आपका, क्योंकि मैं सेटअप भी देख पा रहा हूँ काफ़ी यूनिक सेटअप है, आपने हर चीज़ मैनेज की हुई है और अपने पूरे फार्म पर चूने का चूना भी किया हुआ है, तो सर किन किन चीज़ों का सर ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को? देखिए पहले तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ये काम बिना ट्रेनिंग के बिना नॉलेज के बिल्कुल स्टार्ट ना करें, आपको नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ ब्रीड जी, जो ब्रीड आप लाएंगे पहली बार वो ब्रीड बिल्कुल ढंग से अच्छे से देख के लाएं, किसी की बातों में आके कुछ भी ना ले आएं, वो आपको नुकसान दे सकता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका फंड मैनेजमेंट, आप केवल ये सोच के कि मेरे पे 10 लाख रुपए और मैंने 6 लाख रुपए अपने स्ट्रक्चर पे लगा दिए, 2-2.5 लाख रुपए के मैं जानवर ले आया, अभी मेरे पास 2 लाख रुपए बचे हैं तो मेरा काम चल जाएगा, नहीं चल पाएगा। क्योंकि इनको मेनली इनका 70% कॉस्ट इनकी फीड पे आती है, तो फीड मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो सर फीड का बैकअप किसान भाई नए किसान है कितने दिन तक का रखना चाहिए सर? देखिए कम से कम 2 महीने का बैकअप तो आपके पास होना चाहिए, कि अगर बाई चांस आपके पास फंड की शॉर्टेज भी है तो उस 2 महीने के टाइम में आप कहीं से उसको अरेंज कर लें। अगर आप पे 10 दिन का बैकअप है, 10 दिन कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सर कितने यानी कि इसमें धैर्य रखने की बात की जाए, जैसा कोई नया किसान है जी, तो कितने दिन बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाती है सर? देखिए अगर रोटेशन बनाने में तो आपको 1 से 1.5 साल कम से कम लगेगा, लेकिन ये कि पहला जो आपका लॉट है वो डिपेंड करता है कि आप गिल्ट लाएँ या प्रेग्नेंट लाएँ। अगर आप गिल्ट लाएँ तो उनका 114 दिन का जेस्टेशन पीरियड है, प्लस आप उन्हें क्रॉस कराएंगे, फिर जो अगर आप उन्हें 100 केजी का करके बेचेंगे तो 6 से 6.5 महीने मिनिमम उन्हें 100 केजी में होने में लगते हैं। तो अगर आप 6.5 महीने ये पकड़ लें, 4 महीने उनका जेस्टेशन पीरियड, प्लस 7 से 8 दिन अगर आप वो भी पकड़ें कि आपके यहाँ के फार्म पे वो क्रॉस हुई है, तो लगभग 11 महीने का आपका एक साइकिल है जिसके बाद आपका पहला लॉट बिकेगा। हाँ बीच में अगर आपने पिगलेट बेच दिए या आपने गिल्ट बेच दी वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं पूरा प्रॉपर 100 केजी का बता रहा हूँ कि आपने 100 केजी बेच के फैटनिंग में आपने अपना माल निकाला है जी। तो सर मैं आपका सेटअप देख पा रहा हूँ, सबसे पहले मैं रेलिंग की बात करता हूँ सर, रेलिंग आपने कितनी ऊंची रखी हुई है सर? ये टोटल जो लेंथ ऊंचाई इनकी हाइट है वो 4 फीट है, जिसमें 2 फीट की मैंने दीवार कराई है, 2 फीट की ही मैंने रेलिंग रखी है जी। और नाली की बात की जाए, जैसे आपने नाली सर आपने बाहर ली हुई है? हाँ जी दोनों तरफ बाहर है सर। बाहर नाली का क्या मोटिव है सर? बाहर नाली का मोटिव ये है कि एक तो फार्म में गंदगी बिल्कुल नहीं रहती, आप जरा सा साफ पानी मारिए फार्म से सारी गंदगी बाहर चली जाएगी, स्मेल नहीं रहेगी, कीड़े मक्खी मकौड़े कुछ यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो आप आराम से फार्म के अंदर भी बैठ सकते हैं, किसी को स्मेल भी नहीं आएगी। सर जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने पूरा अपना सेटअप कवर्ड बनाया हुआ है जी, और काफ़ी ठंडक भी है क्योंकि आपने जाली लगाई हुई है, आधे में आपने दीवार की हुई है और आधे में जाली लगाई हुई है। तो सर ये इसका इस जो स्ट्रक्चर है इसका क्या बेनिफिट है? जैसे मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छा सेटअप लग रहा है मुझे। एक तो इसमें क्या है वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होती जी, ये ठंडा रहता है, प्लस जैसे अभी आंधी तूफान आए अगर आप थोड़ा छप्पर वगैरह खुला रखें, खुले में ना धूप लगेगी तो सर्दियों में ठंड लगेगी, अब सर्दियों में क्या आप इस पर बाजू से साइड से ढक दीजिए तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ा खुला भी रहता है। गर्मियों में अभी जैसे इस समय सबसे ज़्यादा गर्मी पीक पे है, 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, लेकिन आप अभी मेरे यहाँ खड़े हुए तो यहाँ ठंडक है, थोड़ा सा पानी मारने पर यहाँ ठंडक हो जाती है, तो इनको प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए क्योंकि इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, प्रेग्नेंट फीमेल का और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड सेटअप तो यही होता है कि थोड़ा कवर्ड, क्योंकि आपको सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा जी, और थोड़ा खुला रहे जिससे वेंटिलेशन प्रॉपर रहे जी। फार्मिंग का सर पॉन्ड बनाया हुआ है सर जी, तो इसका क्या साइज रखा है सर आपने? इसका जो लेंथ रखी है वो तो 70 फीट है, लंबाई 70 फीट है और 35 फीट वो चौड़ा है, 35 और 8 फीट उसकी गहराई है और गहराई है जी।